dream and allow yourself to dream, you can achieve everything. And today we have an amazing guest who is none other than the Arjun Award winner, Rajiv Tomar, who is an Indian wrestler. Welcome to our talk show. I'm Alka, and this is Success Stories talk show presented by Trident Communications. Welcome to our show, Rajiv ji. Thank you. And I'm really excited to know a lot of things about you, sir. So can you please tell us something about your journey? मैं बहुत छोटा था, सेवेंथ क्लास में था, तो मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो उन्होंने जब हम गांव में थे तो वो जाते और हमारे सामने गुरु हनुमान जी का जिक्र करते बार बार कि गुरु हनुमान जी का अखाड़ा ऐसे है, दिल्ली में है और वर्ल्ड फेमस आदमी है गुरु हनुमान जी, उन्होंने बहुत सारे रेसलर दिए हैं भारत देश को, तो उनसे प्रेरणा मिली कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। तो मेरे फादर मुझे कभी कभी लेके आते गुरु हनुमान जी के अखाड़े में, मैं यहाँ पे देखता कि जो हमारे बड़े बड़े पहलवान हैं वो किस तरह पहलवानी करते हैं और बाहर जाते हैं, मेडल जीतते हैं, तो मेरे मन में आया कि चलो मैं भी कुछ करता हूँ। तो मेरे फादर मुझे अखाड़े में लेके आए, तो एक साल तक मैंने पहलवानी की, मेरे फिर पैर में चोट लगी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं अच्छी स्टेज पे और यंग स्टेज पे मेरे जो चोट लगी उसके बाद, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने उसका ऑपरेशन कराया, तो फिर मैंने दोबारा ओलंपिक पे अचीव किया, तो मैं इससे बड़ा खुश हूँ कि लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ा दुख होता है फ्यूचर के बारे में सोच के कि भाई अगर हमारा जब फ्यूचर ही है, टारगेट ही है, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोग सब स्टार्टिंग से गांव देहात से आते हैं, रूरल एरिया से, वहाँ पे किसी के पास इतना कोई संसाधन नहीं होता, कोई फाइनेंस की सपोर्ट नहीं होती, तो वो सब चीज़ सोच के हमें तकरीबन कुछ ना कुछ करना है। और मेरा गांव क्या ऐसा है जिसमें हम एक ही गेम से तीन तीन अर्जुन अवार्डी है, हिंदुस्तान का, भारत का ही पहला गाँव है जिसमें तीन अर्जुन अवार्डी है, दो ओलंपियन है, कम से कम हमारे 15 से 20 रेसलर इंटरनेशनल लेवल के गांव से। तो सब बड़ा जीवन में दुख होता है, चोट लगती है यंग एज में, पैर का उतार चढ़ाव बहुत। तो इस सफर में आपके साथ आपका किसी ने साथ जरूर निभाया होगा, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होता है और उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। पूरी फैमिली जब सपोर्ट करती है तभी हम कुछ अचीव कर पाते हैं, नहीं तो हम बगैर फैमिली के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो सर है, मेरे फादर हैं और जो हमारे गुरुजी थे, गुरु हनुमान जी, जिनकी प्रेरणा से मैं अखाड़े में पहुंचा दिल्ली में, उन्हीं को सारा श्री सर। तो इस लंबी सफर में आपने मतलब सक्सेस देखे हैं, आपने शायद उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, तो इन सब के बाद सक्सेस की जो डेफिनेशन निकल के आती है हर इंसान की वो अलग होती है, तो आपके लिए सक्सेस के सही मायने क्या होते हैं? सक्सेस जब आदमी कोई टारगेट लेके चलता है, अपना एक मुकाम हासिल करना करता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे अपने देश के लिए अपने कुछ करके दिखाना है ताकि अपने जो पेरेंट्स है या जो यार दोस्त है या हमारा जो देश है, सबसे पहले तो देश है कि हमें गर्व करता हमारे ऊपर कि हमने अपना ये टारगेट जो हमने किया था वो हमारा पूरा होगा। तो आपका भी कुछ रहा होगा कि मतलब आपको इसको सोसाइटी को वापस किस रूप में देना चाहेंगे आप, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए। सोसाइटी को जो मैंने भी ओलंपिक्स तक खेला हूँ मैं, क्योंकि हर एक आदमी की जो हमारे जो कैरियर है या रेसलिंग को हम तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होती है वो ओलंपिक में होती है, कि हर एक रेसलर का ये सपना होता है कि मैं ओलंपिक तक जाऊं और कोशिश करूं वहां पे मेडल लेने की। लेकिन अब जो पिछले 10-15 सालों से चल रहा है कि ओलंपिक में जाना ही बहुत बड़ी बात है, जो मैंने अपना सीखा है, अभी मैं प्रोफेशनल तौर पर अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अभी रेसलिंग की जो सीनियर टीम है उसमें मैं प्रेजेंट में कोचिंग देता हूँ,
अभी पिछले 2 साल से, तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने अचीव किया है, मैं चाहता हूँ जितनी हमारी सोसाइटी, हमारा जो रेसलिंग के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं या आने वाली जनरेशन है, मैं उनको एक बेहतर भविष्य या एक अच्छा बेहतर टारगेट दे सकूँ, ताकि वो देश का और एक अपनी सोसाइटी को अच्छा माहौल दे सके। तो आप भी जैसे कोच करते हैं, आपने बताया अभी, तो आपके लिए ऐसा क्या रहेगा जो आप आगे के रेसलर्स को बताना चाहेंगे कि क्या उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो मैं हासिल नहीं कर पाया, मैं उनको बोलूं भाई आप उसको कर सकते हो। जैसे मेरा ओलंपिक मेडल नहीं आया, तो मुझे इस बात का दुख भी है और खुशी इस बात की कि मैं ओलंपिक में भाग लिया, पार्टिसिपेट। तो मैं कोशिश ये करूँगा जो आने वाले रेसलर है वो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते। पहले भी सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, इन लोगों ने पदक जीते। तो हम जब पहली बार 2008 में सुशील ने पदक लिया, तब हम 3 ही रेसलर क्वालिफाई हुए थे, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार और मैं, राजीव तोमर। तो खुशी इस बात की है कि वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत कम लोग होते जो वहाँ तक जा पाते। और अब ये कोशिश करूँ कि जो हो रेसलर है बाकी आने वाले टाइम में हमारे पदक जीत सके ओलंपिक। ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने, मतलब हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी आपने कुछ मैसेज छोड़ा है वहाँ पे। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे ओलंपिक्स में गए थे आप, तो ऐसे आपके साथ कुछ ना कुछ तो घटना घटी होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी, या ऐसी चीज जो आप कभी भूल ना पाए, तो ऐसी कोई मेमोरीज अगर हैं तो आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना पसंद करें। सबसे बड़ी खुशी और यादगार तब होता तब हम भारत के लिए, इंडिया के लिए खेलते हैं, जब अनाउंस होता है कि राजीपुरम फ्रॉम इंडिया, और जब हम अपने तिरंगे के साथ पोडियम पर खड़े होते हैं मेडल लेने के लिए, वो पल हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट और अच्छा पल होता है, वो हमेशा याद कर रहेगा, उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अब जब इतनी सारी चीजें हमको आपके बारे में मालूम हो चुकी हैं, तो एक चीज और बता दीजिए आप कि मतलब जैसे आपकी रेसलिंग एक करियर के हिसाब से अगर देखें तो ये काफी अनकन्वेंशनल सा करियर ऑप्शन होता है। यूजुअली लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सब बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में कम ही लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और रेसलिंग जैसे फील्ड में तो और ही कम। तो ऐसे में कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं लोगों को? हमारी जो रेसलिंग में सबसे चैलेंजेस फेस तो एजुकेशन की है, जो कि अभी हमारी फेडरेशन और हमारी गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में किसी रेसलर को एजुकेशन की वजह से उसको कोई चीज़ की कमी ना हो। और पहले हमारा जो सुविधाएं थी उसका बहुत ही हमारे पास इंडिया में कम थी, अब तो हमारी गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, स्पॉन्सरशिप काफ़ी प्राइवेट कंपनी आई है, तो जो नई नई टेक्निक है अब भी बहुत ज़्यादा सुविधा है। तो जैसा कि आपने अभी बताया, तो वैसे ही जैसे मैंने इससे पहले बोला था कि रेसलिंग भी बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर पाथ है, तो अगर आप रेसलिंग में ना जाते तो और कौन सा प्रोफेशन ऐसा होता जिससे आप ज्वाइन करना पसंद करते? मेरा शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनता, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे फादर कबड्डी के प्लेयर थे, तो एक हमारे घर में स्पोर्ट्स का माहौल था, तो फादर चलो मैं एक अपने बच्चे को किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में डालता हूँ। तो जितना भी हमारा भारत इंडिया में जो रूरल गांव बोलते हैं इसको, जो रूरल एरिया है, ज़्यादातर जो कुश्ती के प्लेयर या कबड्डी के प्लेयर वहीं से निकलते हैं, क्योंकि तो कुश्ती का जो माहौल है वो भी जो शहरों में है या सिटीज़ में नहीं है, वो भी मैक्सिमम जो सारा वो अपना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कोई भी आप स्टेट उठाओ तो सारा ही रूरल एरिया में है। तो घर वालों ने मेरे को फिर रेसलिंग के अंदर डाल दिया कि भाई आप इस तरफ चलो। तो अब ऐसी कोई चीज हो जो मतलब टेक्निक्स चेंज होते रहती हैं टाइम के साथ, तो कोई पुरानी टेक्निक हो सकती है, कोई नई टेक्निक हो सकती है, तो ऐसी कोई टेक्निक थी जिसको सीखने में आपको समय लगा हो या आपको परेशानी हुई हो? हाँ, अभी जो मामला सारा इंटरनेट का है, ऑनलाइन का है, तो इसमें कई बार थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है,
पहले जो हर 4 साल में 8 साल में हमारे रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो अभी तो बहुत सुविधा है कि हमारे गवर्नमेंट भी कोर्स के लिए बाहर भेजते रहती है, हमारी फेडरेशन सपोर्ट करती है। पहले समस्या ज़्यादा होती थी, अभी प्रॉब्लम कम है। अभी तो सब ऑनलाइन भी है और हम वहाँ जा के सीखते हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा हमें कंपटीशन मिलते हैं, स्कोप मिलता है, तो अभी अभी ठीक है, अभी अच्छा है। तो जैसा आपने बताया कि बाहर भी भेजा जाता है सीखने के लिए नई टेक्निक्स, तो आपने कौन कौन से देशों में जाके नई नई टेक्निक्स सीखी, और जब आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मैं खुद इतनी खुशी कि मैं चलो आज कम से कम मैं भारत के लिए खेल सकूँ और उन पदक जीत सकूँ, ताकि मुझे मेरे भारतवासी ये कह के पढ़ रहे राजीव कुमार आज हमारे ये इंडिया का तरफ से भारत गया है। और मैं आपको बताऊँ, बहुत ही कुछ लोग तो हमारे गांव के ऐसे थे कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार उन्होंने एयरपोर्ट के दर्शन किए, एयरपोर्ट देखा उन्होंने, क्योंकि तो हमारे जब लोग पहली बार जाते हैं तो गांव से जो बड़ी बसें होती हैं वो भर के आती हैं, 2-3 बसें, कम से कम 300-400 लोग होते हैं कि चलो भाई हमारे गाँव का लड़का बाहर खेलने जा रहा, तो हम इसको क्या है। तो गांव में इतनी खुशी है कि बेचारा पहली बार उनको दिल्ली देखने को मिली है, ऐसे भी लोग हैं, तो खुशी होती जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं। तो जैसा कि आप भी एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो एक स्पोर्ट्समैन को दूसरा स्पोर्ट्समैन से ज्यादा अच्छा कौन ही जान सकता है, तो ऐसे ही अलग अलग गेम्स को लेकर आपके मतलब गवर्नमेंट के लिए कुछ सजेशंस होंगे कि उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? कुछ भी हो सकते हैं वो गेम्स, क्रिकेट हो सकता है, तो ऐसे गेम्स को लेके कुछ अगर आपके पास सजेशंस हो कि उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि जैसे क्रिकेट को हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम मानते हैं, और किसी भी आजकल जो जमाना है वो मल्टीमीडिया का है, तो हमें पहले से काफ़ी एक्सपोजर मिले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिले, हमारी टीम में बाहर जाए और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है या बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आए, हमारी रेसलिंग को अडोप्ट करें और क्रिकेट की तरह ही हमारे मैचेज हों, ताकि हम लोग इंटरनेशनल पर और अच्छा कर सकें। तो जैसा आपने अभी क्रिकेट के बारे में बताया कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, वैसे ही यूथ के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? आजकल का जो यूथ है वो हमने भी देखा है, जैसे मूवीज में कभी न्यूज में आती हैं चीजें कि सक्सेस के लिए वो कुछ गलत राह पे चल जाते हैं, तो वैसे आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में कि यूथ को लेके कोई मैसेज, कोई सजेशन? आजकल यूथ बहुत शॉर्टकट रास्ते को सोच के चलता है कि मैं बहुत कम समय में और ज्यादा मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आदमी अपना टारगेट लेगा, मेहनत करेगा, तो उस मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। और मैं सभी से कहूंगा कि अभी इंडिया में जो स्पोर्ट्स, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाइए तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जॉब वगैरह हैं, और अब तो प्राइवेट जो कंपनीज है, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, सब लोग हमें सब सपोर्ट कर रही हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक गलत सोसाइटी दूर रहोगे, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करोगे तो आप एक अच्छा शुद्ध अपने आप को एनवायरमेंट दे सकते हो, तो आप किसी न किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन जरूर करें, ताकि सबसे पहले आपकी हेल्थ है, अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही आप आगे जीवन में कुछ कर पाएंगे। ये तो बहुत सही बात कही है आपने, और इसी के साथ हमारे पास तो इतने क्वेश्चंस भी नहीं थे जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसे, एक मैसेज देना चाहेंगे अगर आप हमारे व्यूअर्स को कि आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है, उनको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। कि आप किसी भी चीज को माइंड में इतना मत रखिए, आपको उसमें डिप्रेशन में आप चले जाए या आप अपनी सेहत को नुकसान कर सके, आप अपना एक टारगेट लेके चले कि मुझे जीवन में क्या करना है, और फिर आप उसी राह पे चले। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भी फील्ड को चुने उसमें सबसे पहला है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो।
ये तो कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे आगे के लिए भी. और इस कोरोना के टाइम पे अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि कैसे उनको रहना चाहिए और अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए. कोरोना में सबसे पहली बात, आज इतना इंडिया का पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे हर चीज को दिखा रहा है कि चाहे वो मल्टी मीडिया में हो चाहे वैसे लोग, कि भाई आप जब भी आप करो हैंड को सैनिटाइज करो, मुंह पे मास्क रखो, 2 गज की दूरी या 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंस, और सुबह और शाम अपनी एक एक्सरसाइज जरूर करो, ताकि आपको अगर आप एक्सरसाइज करेंगे फिट रहेंगे तो आपका कोरोना कुछ नहीं कर सकता. कोरोना एक बीमारी कम और भय ज़्यादा, लोगों को घबराहट ज़्यादा हो रही है. आप अगर अच्छा खाना खाए, ये जो जंक फूड है बाहर का अवॉइड करें, अपने घर में अच्छा खाना बनाएं, अच्छा खाना खाएं, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप खुद फिट रहेंगे, आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता. लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधान रहो, सुखी रहो. थैंक यू राजीव जी आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी व्यूज और ओपिनियंस देने के लिए. थैंक यू. आपके साथ यहाँ जुड़ के आज हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और ट्राइडेंट कम्युनिकेशंस भी आपका शुक्रगुजार है अपना ये कीमती समय हमें देने के लिए. थैंक यू. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज टॉक शो. Thank you everyone. Stay tuned for more such videos.